बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने से पहले हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ऑपरेशंस हैं वो हम देखते हैं कौन कौन से, बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं। एक है एडिशन, सेकंड है सब्ट्रैक्शन, थर्ड वन है मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ है डिवीजन। एडिशन में क्या होता है, लेट जी वन इज इक्वल टू ए प्लस पी योटा एंड जी टू इज इक्वल टू सी प्लस डी योटा। ये दो कम्प्लेक्स नंबर है जी वन एंड जी टू, बी एनी टू कम्प्लेक्स नंबर, इनका जो सम होगा इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जी वन प्लस जी टू इज इक्वल टू ए प्लस बी योटा प्लस सी प्लस डी योटा। रियल अलहदा कर लें आप, ए इसमें रियल है और जी टू में क्या रियल था सी, इसको कट कर लिख लें आप, प्लस यहाँ योटा के साथ क्या है बी और यहाँ योटा के साथ क्या है डी, योटा इसे कर लिख लें आप। मीन्स इसमें जब जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे रियल है वो रियल के साथ ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू z1 आपके पास है a प्लस b योटा एंड माइनस z2 आपके पास है c प्लस d योटा। तो यहाँ से रियल रियल के साथ सब्ट्रैक्ट होगा a माइनस c प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ b माइनस d और साथ यहाँ के आ गया योटा। इसी तरह जो सब्ट्रैक्शन है मल्टीप्लिकेशन है, थर्ड ऑपरेशन क्या है इसका मल्टीप्लीकेशन, इसे आप कैसे कैसे करेंगे, जी वन ए टू जी टू इज इक्वल टू जी वन के इसमें ए प्लस बी योटा और जी टू आपके पास है सी प्लस डी योटा। मल्टीप्लाई करें इसको, ए को सी के साथ ए सी आ जाएगा प्लस, और इसी तरह देखें रियल कैसे आएगा, जब इस बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी डी आएगा साथ योटा स्केयर आएगा बी डी योटा स्क्वायर। इसी तरह ए को डी के साथ करें तो ए डी आ जाएगा योटा भी आएगा साथ, बी को सी के साथ करें तो बी सी आएगा और साथ क्या आ जाएगा योटा भी आ जाएगा। योटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस वन के, योटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ आ जाएगा ए सी प्लस बी डी माइनस वन योटा की जगह, योटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस वन। इन दोनों में देखें आप योटा कॉमन निकाल दें, ए डी प्लस बी डी बी सी योटा, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी प्लस माइनस माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी, यहाँ हमने क्या लिख दिया योटा, ये आ गया जी वन इंटू जी टू। देखिए दो कम्प्लेक्स नंबर है, इसका बेसिक ऑपरेशन चार हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जब आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इनको आप इजीली क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, रियल रियल के साथ ऐड होगा इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरह देखें सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही कर सकते हो, ए माइनस सी एंड प्लस बी माइनस डी और यहाँ क्या आ जाएगा योटा आ जाएगा। ऐसे देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया, जी वन की वैल्यू यहाँ से यहाँ क्या थी ए प्लस बी योटा, जी टू की वैल्यू क्या है सी प्लस डी योटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। मल्टीप्लाई करने से देखेंगे एंड पे क्या आ गया ए सी माइनस बी डी, ये रियल पार्ट होगा प्लस और ये जिसके साथ योटा भी है क्या हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इसी तरह दो नंबर को आप डिवाइड भी कर सकते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टीज की क्या थी, फोर्थ ऑपरेशन डिवीजन। ये फर्स्ट आपके पास एडिशन, सेकेंड है सब्ट्रैक्शन, थर्ड है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अब डिवीजन में देखें z1 over z2 is equal to z1 की वैल्यू क्या है a plus b iota over c plus d iota। अब देखिए जब भी ऐसे आएगी ना बस फॉर्म डिवीजन वाली तो हम नीचे इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज ऐसे कर लेंगे कि a plus b iota over c plus d iota, मल्टीप्लाई कर लें c माइनस डी योटा के साथ, डिवाइड भी कर लें c माइनस डी योटा के साथ। आपने बेसिकली नीचे क्या करना है, आपने नीचे इस योटा को खत्म करना होता है, आपने ऊपर आप लिख लें इसके ए सी और जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप ए को सी के साथ, इसको करेंगे आप बी को डी के साथ क्या आएगा माइनस बी डी योटा स्क्वायर।
इसी तरह जब ये आपके पास रियल पार्ट टू बनेंगे। इमेजिनरी कैसे बनेगा, जब आपने ए को डी के साथ करना है और बी को सी के साथ, पहले मैं बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी सी साथ ही ओटा, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ए डी साथ, फिर क्या आ जाएगा एटा, नीचे क्या आ जाएगा ए ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इधर क्या आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, एटा का स्क्वेयर क्या होता है माइनस वन प्लस, यहाँ से क्या करें आप एटा काम निकालो तो नीचे क्या आ जाएगा सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, और एटा का स्क्वेयर क्या होता है माइनस वन, इधर आप ये आपके पास आ जाएगी ए सी प्लस माइनस माइनस प्लस बी डी और प्लस बी सी माइनस ए डी साथ क्या आ जाएगा योटा, नीचे क्या आ जाएगी आपके डिनोमिनेटर में सी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस डी स्क्वेयर, इसे आप लिख सकते हैं ए सी प्लस बी डी, नीचे आप लिख लो सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस ए डी योटा, नीचे क्या आ गया सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अब ये देखें दो कम्प्लेक्स नंबर को आपने डिवाइड भी कर सकते हैं, Z1 और Z2, ये इसका रियल पार्ट आ गया, ये इसका क्या आ गया इमेजिनरी पार्ट।